లేట్ అంటే సందీప్ అన్న, సందీప్ అంటే అంటే లేట్. बाइकर्स आना स्टार्ट हो गया बीच 110 cc है, उन लोगों को चेज ही नहीं कर सकते अपन. वेरी हैप्पी टू मीट यू गाइस. थैंक्स. सेम यार. वेलकम टू हैदराबाद ऑलवेज. एयरपोर्ट वहीं पे है वो. तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ. आज हम जा रहे हैं XBHP मीटअप के लिए. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. मेरे साथ में है मेरे बड़े भाई रिजवान भाई. तो जितने भी लोग बाइकिंग प्रोफेशन को फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा XBHP के बारे में. अभी चल रही XBHP रोड ट्रिप यूनाइटेड 2022 और आज मीटअप है अपने हैदराबाद में. XBHP हर राइड पर एक कॉज के साथ राइड करती है और इस बार इनका कॉज है से नो टू ड्रग्स से यस टू बाइक्स. अगर एडिक्टेड होना है तो बाइक्स के लिए हो, नॉट अदर अननेसेसरी थिंग्स. दोस्तों पहली बार मैं XBHP मीटअप में अटेंड करने जा रहा हूँ. आज तक मैं व्लॉग्स में देखता था, अभी सब क्रिएटर्स से, बाइकर्स से और XBHP टीम से मिलने का मौका मिल रहा. तो वीडियो इन तक देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इंफॉर्मेटिव होने वाली है. क्या है, अब्दुल कलाम रिसर्च सेंटर है वो. रोड्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे. बीच रोड पे हल्लू जा रहा है, लेफ्ट से जा सकता ना है ना. बीच रोड पे अच्छे जाना है. बीच में आंटी इडली डोसा बेच रहे, टिफिन सेंटर. एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब में देखेंगे कैसा रहता. एंट्रेंस यहाँ पे छूँगा शायद एयरपोर्ट का, नहीं यहाँ से नहीं आगे से रहता. श्रीशैलम 197 किलोमीटर है यहाँ से. यही रोड है श्रीशैलम की भी. जाएंगे श्रीशैलम भी अपन, हमारे फ्रेंड्स भी जाए गए रिसेंटली. ख़राब किस्मत थी, पानी से नहीं आ रहा था. वाटर दरवाजे क्लोज थे, डोरा खाली खड़के आ गए. वाटर डोरा खुल के रहता अलग मज़ा आता, खाली खड़के आ गए उतना एंजॉय नहीं करे. ऐसी रोड है ना, जबरदस्त चलाने बोले तो बाइक राइडिंग तो एकदम खाली. मेरे ख्याल से हमेशा खाली रहती है. आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही क्या आप लोगों को, ज़ोर से बात कर रहा हूँ इस ख्याल से. ये बोल तो स्पीड भगाए तो अपने को वॉइस रिकॉर्ड सही नहीं होती, पूरा डिस्टर्बेंस आता. पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटे का जर्नी है ये लोकेशन पे जो जा रहे अपन. इवेंट तो होके 10:30-11 तक रहता इवेंट पूरा. ऑलरेडी दिए थे उन्हें अपडेट, लेकिन होता मेरे ख्याल मेरे हिसाब से मैं समझ रहा हूँ 12 बजे कुछ निकलते हम वहाँ से. फटाफट वेट कर ले गए कि वो तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, अच्छा इन्जॉय करके था. ये क्या दुआ वॉक समझ गया, कचरा जला रहे करूँ तो पूरा आ गए अपन. यहीं जाने का था अपने लोकेशन में, टुकुकड़ा ही था वहाँ पे. टुकुकड़ा तो रीच हो गया अपन. यहाँ पे अपना जाने का डेस्टिनेशन किधर है, आगे से राइट लेना है 600 मीटर्स के बाद राइट लेना है, थोड़ा आगे जाना है. और छोटी एक डाइवर्शन आता वहाँ से एक राइट लेना है. ऊपर से जो जा रही है नेहरू वाटर रिंग रोड है, इसका से खाली फोर व्हीलर दिखते अपने को. ये राइट अच्छी से रोड है, बाइकों को अलाउड है यहाँ पे. हाय हाय, ऐसे रोडा दिखे तो कन्फ्यूज होते हैं. अरे आउटर रिंग रोड कनेक्ट होती है यहाँ से, टोल बन के वहाँ से जाना है लोगों को. एयरपोर्ट वहीं पे है वो. एयरपोर्ट का तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से. ये राइट है. आ रहे बाइकर्स आ रहे, देखो बाइकर्स आना स्टार्ट हो गया बीच. यहाँ वाले है पूरे आगे मोटो व्लॉगर शुरू हो गए यहाँ से. मज़ा आने वाली है बहुत यहाँ पे. दोनों भी मोटो व्लॉगर हैं, कौन है नहीं मालूम. अपन उनकी 400 cc गाड़ी है, अपन 110 cc है, उन लोगों को चेज ही नहीं कर सकते अपन. खैर वो तो वहाँ पे उतरे बाद मिलेंगे अपन सबसे. दो भी हिमालय है ना वो, यही है कौन सा माउथल साइड होंगे अंत. मैप लगाए होंगे जिला भी. हाँ यही से, यही से सब तेलुगु मोटर व्लॉगर्स दिख रहे हैं. शायद अपन रॉन्ग लोकेशन पे आ गए, गलत लोकेशन पे आ गए अपन. एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा हो, खाली सुनसान एरिया है. कहाँ का नेटवर्क है ये पूरा खाली से, पूरा खेता में तो ही है यहाँ पे. और बाइकर किधर गई क्या नहीं गई, इधर जाके लेफ्ट देखेंगे. यहाँ पे बिल्कुल खाली, यहाँ पे कुछ है ही नहीं. यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम आता आप को मालूम ही नहीं होता. यहाँ से गए थे अपन पहले. पापा सिंगल लेन रोड में बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ. ये भी एक एडवेंचर है.
అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్రో. అసలు ఇట్లా ఫ్యూజ్ అయ్యింది. మనం ఒకసారి కలిసినట్టున్నాం కదా. మనం కలవలేదు బ్రో. కలవలే. యు లుక్ వెరీ సిమిలర్ టు మై ఫ్రెండ్. ఓకే ఓకే. వి ఆర్ మీటింగ్ ఫస్ట్ టైం. గేట్ ఇస్ క్లోజ్. ఓకే. ఐ వాస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యు విల్ బి కమింగ్ ఇన్ బైక్. దేర్ సమ్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ సో ఐ ఓకే. కమ్ టు ఓకే. సమ్ సబన్. ఓకే. ఫ్రమ్ దేర్ ఐ యామ్ హెడింగ్. సో ఎంట్రీ ఎంట్రీ ఆగే సే లెఫ్ట్ కుచ్ హై. అక్కడి నుంచి ఉందంట. భయ్ ఎంట్రీ వాంగ్ సభీ ఛోటే రోదే పూరా బ్లాగ్ హై యాప్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ యు గైస్. థాంక్ యు సేమ్ హియర్ సే. అందరూ గైస్ ఏక్ సెల్ఫీ ఉదరేంగి. చలో నేనే బయటికి వస్తా. ఓకే. ఆర్ ఇన్ స్టార్ సెంటర్ ఓవర్ పర్ हम वही बोले अरे सभी क्या जी दिन भर देखते रहते पैसा नहीं देते इतना शुक्रिया था बहुत अच्छा लगा मुझे लेट हो गया. हाँ अभी थोड़ा लेट हो गया तेरा. वेलकम टू हैदराबाद. ऑलवेज मनन भाई आ गए अभी. मनन भाई यस सुन लिए ना अल्लू वाले तुम. Morning Hyderabad. Good morning. Awesome. Like generally Hyderabad is known for biryani and charminar. Yeah. Whenever I come here I feel that Hyderabad is known for love. Because that yes. is the kind about XBHP. Feels good because sometimes what happens is like yeah mera dost ja raha chalo main bhi chalta hu. And this time when we are going all around India we are also going around India with one cause as you might have seen. There is say no to drugs. Yeah. Right. So we are going. We are meeting a lot of bikers. We are encouraging them to further spread this message that please don't get into the drugs part or maybe any kind of addiction. Not only drugs. So say no to drugs is a slogan, but it could be alcohol. It could be anything wherein you are getting addicted. If you want to have any kind of a habit or a addiction, get a good addiction. Achcha addiction kya hai? बाइकिंग. तो ये तो मतलब कहे बिना ही है मतलब अच्छा एडिक्शन बाइकिंग. तो मतलब अच्छा करना है मतलब बाइकिंग है ट्रेवलिंग है. होता क्या है ना मोस्टली यंगस्टर्स आर गेटिंग इनटू दिस. और देश को चलाने के लिए कौन चाहिए? यंगस्टर्स. यूथ. राइट. मतलब जो अभी कॉलेजेस में है वही आगे चल के हमारी वर्किंग पॉपुलेशन और एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन बनेगा. अगर वही लोग अपने आप को खराब कर लेंगे तो आगे काम कौन करेगा? अगर काम करने के लिए कोई नहीं होगा तो इवेंचुअली there is nobody to take care or to run this nation. Vijay is here. So Vijay is joining us from Hyderabad. So sound us say other manchi anpisthadi biryani kha ke nahi aaye subah subah nahi milti subah subah nahi milti biryani morning andar ki. Good morning. How's the Josh? Hi sir.
ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హార్ట్ఫుల్లీ. అండ్ చాలా మంది దీంట్లో నా సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు, చాలా మంది నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు. మీ అందరి సపోర్ట్ లేకపోతే, మీ అందరి ప్రేమ లేకపోతే నేను ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడ్డా. సో ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడ్డ క్రెడిట్ మీ అందరిది. సో దానికోసం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను పొర్లి దండాలు పెట్టినా తక్కువనే మీ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నా. లైక్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా ఇన్సిడెంట్ మనం వెరీ కామన్ థింగ్ సో నేను లాస్ట్ మెసేజ్ ఒకటే ఇస్తా. ఇక్కడ ఎవరైతే అందరు రైడ్ చేస్తున్నారో అందరూ రైడ్ చేయండి, కాకపోతే ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది తీసుకోండి. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా మాత్రం ఎవరు రైడ్ చేయకండి. ఓకే दोनों के बिकॉज व्हेन ही गोज ऑन ट्रैक विद दैट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्रैक ऑफ रोड ट्रैक ऑफ रोड ट्रैक सो सॉरी फॉर द लेट गाइस लेट అంటే సందీప్ అన్న సందీప్ అంటే లేట్ సరి కదా ఇంకా కొత్త కొత్త బైక్స్ కావాలంటే పెళ్లి టాపిక్. मुझे समझ नहीं आया बट आई थिंक सही में समझ गया. दरोले अनुडीगा कदिले शनमा चलिए दनी नन्ने मरिचा कन पेरुन परिचा मदिले अडिगा तनौ से दनी नुबेले नी नन्नु उहंचेनु न प्रति हो. द क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू संदीप. Yeah, that he did with us in North India. What was the name of that ride? And which bike did he ride in that? H2. Ninja H2. Windmiller. Disqualified. Disqualified. Behind the stage guys are disqualified. So we took a breakfast. Kar rahe hain pe breakfast. We are arrange kar rahe hain. Yahan pe breakfast kar rahe ho. Pure room mein hai. संदीप नदी पर ही आए थे सेल्फी आम तौर पर. जब तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे वहाँ चले जाएंगे बोल के आ गए यहाँ पे. चल रहे हैं बड़ा चल रहा है. इसके बाद मिलेंगे सबसे. ब्रेकफास्ट तो कर लिए अपन. अभी यहाँ फिर से स्टेज के पास जा रहे हैं. यहाँ पर स्टेज है, पूरे सेल्फी सेक्शन जा रहा है. हम कौन भी जा रहे शायद अपने संदीप मोटर ब्लॉगर चले जा रहे शायद. मिलके
सीधा होटल पे वहाँ चले जाते। क्या चीज़? बेंगलुरु का रास्ता 500-600 किलोमीटर है शान, 6-7 घंटे का नहीं नहीं 10 घंटे का रहता, प्लेन जा रहा हूँ बस। वी आर लिविंग नाउ। कौन सी भी बड़ी बाइक रहती तो ऑफ रोडिंग करते थे, एडवेंचर बाइक। ये अच्छा रास्ता इधर का, ये इस रोड से सीधा जाना है। धूप बढ़ गई अभी तो मीटअप बहुत ज़बरदस्त था, यहाँ से निकल गया लोग, बहुत सारे यूट्यूबर आए हैं, सोचे नहीं थे इतने उतने लोग आते बोले। संदीप ZX10R ले लेंगे, वीडियो में आवाज़ समझ में नहीं आती क्या आवाज़ है गाड़ी में, एग्जॉस्ट ऑन ट्यूनिंग कर रहे थे गाड़ी। यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग है, छोटी गाड़ी है इस पर मुश्किल होता। चलेंगे आराम से, फिर भी बाइक है बल के चले आ रहे हैं। एक्टिवा रहे थी तो बहुत मुश्किल होता था, हल्लू जाना पड़ता था, अच्छा एक्टिवा नहीं लाया। तो बड़ा आराम से निकल गए, यहाँ से लिफ्ट लेना है शायद। मीटअप तो हो गया बहुत ज़बरदस्त था, बहुत एंजॉय करे, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था। बहुत सारे यूट्यूबर्स राइड विद विजय तो सब में पहले अनुष मिले कार में आके, उनके फ्रेंड के सर के मैं दिखता हूँ कहते हैं वहाँ के तेलुगु में पूछ रहे हैं मेरे कुर्तुपट्टी ना वहाँ का, फिर देखे तो भाई बोले अरे राइड विद विजय विजय जी बोलता, अरे मेरे ना फ्रेंड तुम्हारे क्या बोलते हिंदी में बोल रहे थे, मेरे एक फ्रेंड के सर के दिखते तो उन्हें से समझ के मैं तो रुकाया मैं गाड़ी को, फिर थोड़ी देर बात करे अच्छा फोटो सेशन वहाँ फोटो वहाँ सेल्फी आ ली, अच्छा था अच्छी बातचीत हुई यहाँ पे। चलो अभी व्लॉगिंग कर लिए नहीं जाने देते हैं ना, ये तो रोड तो अच्छी फिलहाल तो यहाँ पे ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। पया सर नहीं आता अभी, जेसन पाजी कोई भी आते थे ना, क्राउड लग रहता था वो अच्छा था। फिर भी संदीप नदीम पल्ली गाड़ी लेके आते पब्लिक पागल हो गई पूरी। दिनों और दिनों भाई भी आ सकते थे ना, उनका वाइजाग में शायद ख़त्म हो गया राइट, वहाँ का रिटर्न हो गया। SBHP के ओनर उन्होंने CEO जो है फोटोग्राफर उन्होंने भी आते समझा था कि उन्होंने तो नहीं आए। पेद्दा अंबरपेट पुक्कोड़ा मंकल का था श्रीशैलम 192 किलोमीटर, हैदराबाद 19 किलोमीटर, पेद्दा अंबरपेट 25 किलोमीटर, हैदराबाद जाएंगे बात। कुछ ऐसा था उसका मीटअप, सनी भाई आता तो और अच्छा रहता था, खास करके उनको मिलना बल के था मेरे को, बैड लक लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। मनन भाई बहुत अच्छे अच्छे नेचर के हम्बल है मेन चीज़, ज़्यादा पॉपुलर हो के भी कोई भी मिले तो अच्छा स्माइल दे के बात करना अच्छा दिखता था। और उनका भी संदीप नदी पल्ली जो थे मोटर लॉगर रेजर, उन्होंने भी अच्छी बात करें। वीडियो देखे तो समझ भी नहीं आता, बाइक में तो खतरनाक साउंड है एग्जॉस्ट लगाए सो, और इस तरह आ रहा थी तीन बाइक थे तीनों में भी ज़बरदस्त था साउंड आया, वो सब फ्यूल लग गई लेकिन उसमें साइलेंसर जो है एग्जॉस्ट मॉडिफाई नहीं करे हुआ था, उसके बाद से नॉर्मल साउंड था आया वो सब, उसमें अगर साउंड आता तो कोई भी काम में नहीं आता था उसके सामने। दूर से ऐसा अंदर आने से पहले लोग आवाज़ सुने बाइक की संदीप नदी पल्ली की, वहाँ से साउंड कर लेते हैं आपको गाड़ी को समझ गए सबसे नारे संदीप आए बोले, अच्छा लगा सबसे मिलने को मिला। मैं तो सोचा था कैसा होता है कि मैं तो कई बोलता हूँ वीडियोज़ में अलग दिखता था, टाइम में ऐसी रहता है मिलने का मौका मिलता नहीं मिलता, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा, अच्छा था बहुत सर फ्रेंडली थे सब लोग, वो चीज़ अच्छी लगी। उन लोग भी कैमरे में ब्लॉग्स बनाए ड्रोन शॉट्स लिए, तो अभी के लिए हम वापस चले जा रहे हैं। अभी उन थे वहीं बात कर रही थी, लोग डिस्कशन कर रहा था बिजी है लोग। यहाँ पर पहाड़ी शरीफ दरगाह है, यहाँ पर ये एंट्रेंस है यहाँ का पहाड़ी शरीफ, ये पहाड़ के ऊपर है माउंटेन के ऊपर। इवेंट का स्टार्टिंग का टाइम 8 बजे था, लाए 8:30 या 9 के टाइम पे कुछ आए, थोड़ा लेट हो गया लोगों को हम लोग, लेकिन टाइम पे चले गए थे 7:50 को चले गए हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे, तो लाए 8:45 8:30 ऐसा कुछ याद नहीं एग्जैक्टली। ये रोड ज़बरदस्त एकदम
धूप है लेकिन उतना ह्यूमिडिटी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे भी ठंड का महीना चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग को एंड कर देंगे यहाँ पे। अब अगर घूमना चले जाते हैं यहाँ से, थोड़ी ट्रैफिक मिलती है जैसा है। ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, ज़बरदस्त बहुत पसंद आया होगा, मैं जो सोचता हूँ तो मैं भी बहुत इन्जॉय करा यहाँ पे। आज तक जितने में मैं ब्लॉगिंग या मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, आज तक का मेरा बेस्ट ब्लॉग था ये, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मेरा ड्रीम है एक डीएसपी के साथ, मैं भी एक दिन राइड करूँगा। आपके सपोर्ट के बगैर नहीं होता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।